उत्तर प्रदेश का उन्नाव का नवाबगंज मेडिकल वेस्टेज की कब्रगाह बन गया है। करोड़ों सरकारी कंडोम खुले में फेंक कर भाग गए हैं कर्मचारी। कौन कहता है सरकार जनता को सुविधा नहीं कराती है? मोहिया, योगी सरकार में योजनाओं की इतनी भरमार है कि विभाग नहीं कर पा रहा है खपत। जो कंडोम जनता के लिए सरकार ने कराए थे मोहिया, वो कूड़े के ढेर में फेंक दिए गए। वहीं ये रक्षक कंपनी का कंडोम है। आपको बता दें कि लगभग 15 ट्रक कंडोम फेंक कर भाग गए हैं कर्मचारी। खुले में पड़े रबड़ के कंडोम बन सकते हैं महामारी का कारण। वहीं ट्रक ड्राइवर ने बताया कि ये कचरा लखनऊ के सरकारी विभाग का है। वहीं हंसगंज SDM ने जाँच के आदेश दिए हैं कि आखिरकार ये कूड़े में कंडोम फेंके क्यों गए। आपको बता दें कि उन्नाव जनपद के सोहरमऊ थाना क्षेत्र में हाईवे पर टोल प्लाजा के पास मुखद्रमपुर गोसाई खेड़ा मार्ग किनारे बंद कर ईटा भट्टा परिसर में स्वास्थ्य विभाग को सरकारी आपूर्ति किए जाने वाले कंडोम पड़े मिले हैं। वहीं आप इस कंडोम को देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर कूड़े के ढेर में ये कंडोम पड़े हुए हैं। आरसोनी न्यूज के लिए आप उन्नाव से देख रहे हैं साबान मलिक की रिपोर्ट। कौन भिजवा रहा है? नहीं, आप ही बोल रहे हो। कहाँ से ला रहे हो? वो है कांतनगर से। अच्छा अच्छा, कई ट्रक लाए हो आप यहाँ? बस पहले हमको आने वाले उनके बस पहली गाड़ी मारी आई आज। अच्छा अच्छा अच्छा, किस वजह से यहाँ पे आ रहा है ये बता रहे? डैमेज हो गया, खराब हो गया। अच्छी ये सरकारी है? सरकारी तो है ही, तो है ही। कोतवाली सोहरामऊ के अंतर्गत कुछ परिवार नियोजन सामग्री मिली है, क्या मामला है पूरा इसमें? क्या ग्राम मखदूमपुर में सूचना मिलने ये जानकारी प्राप्त हुई कि परिवार नियोजन संबंधी इसको सामग्री प्राप्त हुई है, जिसको ईट भट्टे में जलाने का प्रयास किया जा रहा था। मौके पर कोतवाल सोहरामऊ को भेजकर वो सामग्री जब्त कर ली गई है और MOIC नवाबगंज को ये सूचित किया गया है। इसके बारे में जांच करें कि जो सामग्री कहाँ से प्राप्त हुई है। किसी अस्पताल से तो प्राप्त नहीं हुई है, उसकी वैलिडिटी कितनी है, एक्सपायरी तो नहीं है। इस संबंध में जाँच आख्या कल सुबह तक मुझे देंगे। उन सामग्रियों का अब क्या किया जाएगा? वो सामग्री जब्त करके उसकी बेस्टी करने की कार्रवाई की जाएगी।